फोर्स एंड मोशन पार्ट थ्री। तो अगर आपने पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखा है तो एक बार पार्ट वन और पार्ट टू जरूर देखें, उसके बाद ही पार्ट थ्री को देखें ताकि आपको पार्ट थ्री अच्छे से समझ में आए। तो पार्ट वन और पार्ट टू का जो वीडियोस का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए आज हम क्या बात करेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर की। लेकिन रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है उसको समझने से पहले मान लीजिए ये एक पत्थर है और इस पत्थर पर आप फोर्स लगा रहे हैं इधर को 10 न्यूटन। आपने फोर्स लगाया 10 न्यूटन इस पत्थर पर, इधर आपका एक दोस्त है उसने भी इधर फोर्स लगाया, उसने मान लीजिए लगाया फोर्स कितना 5 न्यूटन। तो अब मुझे ये बताइए कि इस पत्थर पर कितना फोर्स लग रहा है। आपने 10 न्यूटन से इधर फोर्स लगाया, आपके दोस्त ने भी 5 न्यूटन से इधर फोर्स लगाया, तो इस पत्थर पर कितना फोर्स लग रहा है। आप कहेंगे कि इस पत्थर पर कुल जो फोर्स लग रहा है वो कितना हो जाएगा 15 न्यूटन। ऐसा कह सकते हैं ना, 15 न्यूटन। आपने जो फोर्स लगाया उसे मैं F1 कह देता हूं, और ये फोर्स एक वेक्टर होता है इसलिए इसके ऊपर एरो बना दिया मैंने। आपके दोस्त ने जो फोर्स लगाया 5 न्यूटन उसे मैं F2 कह देता हूं। तो आपने 10 न्यूटन इधर फोर्स लगाया, आपके दोस्त ने 5 न्यूटन इधर फोर्स लगाया, और आप ये साफ साफ देख सकते हैं कि दोनों के फोर्सेस अगर मिला दिए जाए तो कितना बन जाएगा 15 न्यूटन। तो ये 15 न्यूटन ही क्या है, रिजल्टेंट फोर्स है। क्या है, रिजल्ट आ गया ना इन दोनों का, इन दोनों का फाइनल रिजल्ट यही बनेगा कि आपने 10 न्यूटन इधर फोर्स लगाया, आपके दोस्त ने इधर 5 न्यूटन फोर्स लगाया, तो इन दोनों का रिजल्ट क्या बनेगा, 15 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है। यही तो है रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, चलिए फिर से समझते हैं। फिर से ये पत्थर, इस पे एक फोर्स लगा F1 आपने लगाया, आपके दोस्त ने F2 फोर्स लगाया, एक और आपका दोस्त है वो इधर से फोर्स लगा रहा है F3। अब बताइए रिजल्ट क्या होगा। तो रिजल्ट यही होगा ना इस पे कि मान लेते हैं कि आप दोनों का फोर्स मिला के ज्यादा है आपके इस तीसरे दोस्त से, तो कुल मिला के आप समझ गए होंगे कि आप दोनों के द्वारा लगाया गया फोर्स ज्यादा है आपके तीसरे दोस्त के द्वारा लगाए गए फोर्स। तो रिजल्ट तो यही आएगा कि कुल फोर्स इधर लगेगा इस तरफ को, क्योंकि आप दोनों का फोर्स ज्यादा है आपके तीसरे दोस्त से। अब जो ये रिजल्ट आएगा या रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा, जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, मान लीजिए फोर्स की बात कर लेते, तो वो क्या होगा, F1 आपका फोर्स और आपके दूसरे नंबर वाला जो दोस्त है उसका फोर्स तो ऐड हो जाएगा, लेकिन इसका माइनस हो जाएगा क्योंकि उल्टी दिशा से, उल्टी डायरेक्शन से फोर्स लगा रहा है। तो ये आ गया रिजल्ट। ठीक है, तो इसी को हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। तो चलिए अब रिजल्टेंट वेक्टर को लिखते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर होगा क्या, तो रिजल्टेंट वेक्टर की क्या डेफिनेशन बनेगी। तो रिजल्टेंट वेक्टर जैसे कि आपने देखा ये है, ये एक सिंगल वेक्टर है, एक ही वेक्टर है, और ये दो वेक्टर्स को मिलाकर भी बन सकता है, तीन वेक्टर्स को मिलाकर भी एक सिंगल बन सकता है, तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं। मान लीजिए आपके और भी दोस्त हैं, कुछ इधर से फोर्स लगा रहे हैं, कुछ इधर से लगा रहे हैं, उन सबका रिजल्टेंट एक ही बनेगा ना। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू और मोर वेक्टर्स, दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स का रिजल्टेंट हो सकता है। एक का तो रिजल्टेंट होगा नहीं ना, एक अकेले का रिजल्टेंट क्या होगा, ये खुद ही होगा। तो दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो एक सिंगल वेक्टर होगा, इज अ सिंगल वेक्टर।
तो रिजल्टेंट वेक्टर दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स का एक सिंगल वेक्टर होगा विच प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट एज द इंडिविजुअल वेक्टर्स टुगेदर डू। तो इसकी डेफिनेशन याद रखना अब आपके लिए मुझे लगता नहीं कोई खास मुश्किल है कि रिजल्टेंट वेक्टर दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स का एक सिंगल वेक्टर होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये इन दोनों का रिजल्टेंट एक सिंगल वेक्टर है जो उतना ही वही इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जैसे कि ये दोनों मिलकर कर रहे हैं। दोनों मिलकर कितने का फोर्स लगा रहे हैं इधर 15 का, तो ये रिजल्टेंट अकेला क्या कर रहा है 15 का फोर्स इधर लगा रहा है। तो इस तरह से ये रिजल्टेंट वेक्टर की डेफिनेशन बन गई कि रिजल्टेंट वेक्टर दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स का एक सिंगल वेक्टर होगा जो सेम इफेक्ट क्रिएट करेगा जो आपके दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स मिलकर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। तो आई होप अब आपको रिजल्टेंट वेक्टर निकालना आ गया होगा, यानी कि पी वेक्टर इधर लग रहा है और एक क्यू वेक्टर इधर लग रहा है। इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? पी प्लस क्यू। वही एग्जांपल हो गया, मान लीजिए आपने 10 न्यूटन फोर्स लगाया, आपके दोस्त ने 5 न्यूटन फोर्स लगाया, तो रिजल्ट कितना आ गया 15 न्यूटन। एक और एग्जांपल, आपने फोर्स लगाया इधर 15 न्यूटन और आपके दोस्त ने फोर्स लगाया इधर 6 न्यूटन। अब इन दोनों का रिजल्ट बताइए क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट वैक्टर क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट वैक्टर क्या होगा? देखिए इज इक्वल टू मैं लिख रहा हूं, इधर को 15 लग रहा है, इधर को 6 लग रहा है, तो रिजल्टेंट क्या होगा? खुद सोचिए, 15 इधर को ज्यादा है और 6 इधर से फोर्स लग रहा है, तो ज्यादा वाला फोर्स इधर है, तो नेट फोर्स तो इधर को ही लगेगा। कितना लगेगा? 15 - 6 9 न्यूटन। तो ये इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया। इसे मैं अगर P कहूं और इसे मैं अगर Q वेक्टर कहूं तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे आया? इस बार भी हमने क्या किया है? P प्लस Q ही किया है। वो अलग बात है कि Q की डायरेक्शन इधर को है तो अपने आप माइनस हो जाएगा यहां, या ऐसे कह लीजिए कि P का जो मैग्नीट्यूड है 15 न्यूटन प्लस Q की वैल्यू कितनी है 6 न्यूटन, प्लस ही कर रहे हैं, बस मैं यहां पे क्या कर दूंगा माइनस लगा दूंगा क्योंकि Q की डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 9 न्यूटन। यहां तक तो बहुत सिंपल है क्योंकि जो वेक्टर्स हमने अभी बात करी इनकी, ये एक स्ट्रेट लाइन में लग रहे हैं, या तो ऐसे या फिर ऐसे और ऐसे, मतलब एक ही लाइन में कोलिनियर वेक्टर्स हो गए ना ये। तो कोलिनियर वेक्टर्स अगर आपको नहीं पता तो पार्ट टू जरूर देखिए। तो हमने क्या देखा, अगर कोलिनियर वेक्टर्स है तो उनको सिंपली ऐड करके या सबट्रैक्ट करके रिजल्टेंट निकाला जा सकता है। लेकिन अब मुझे बताइए आपकी रिजल्टेंट क्या होने वाला है, इस बार थोड़ा सा चेंज करते हैं। अभी तक जो वेक्टर्स थे वो हमारे सेम डायरेक्शन में लग रहे थे, या ऑपोजिट कह लीजिए, एक दूसरे के ऑपोजिट लग रहे। अब अगर आपने फोर्स लगाया इधर 5 न्यूटन और आपके दोस्त ने फोर्स लगाया इधर को 6 न्यूटन, अब बताइए इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, अब रिजल्ट क्या आएगा? क्या 5 और 6 ऐड करके सीधा 11 आएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत है। तो इस बार क्या हुआ है, इस बार फोर्स तो लग रहे हैं पर एक ही डायरेक्शन नहीं लग रहे, एक 6 न्यूटन इधर फोर्स लग रहा है और 5 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है। अब दोनों के दोनों वेक्टर्स आपके किसी एक एंगल पे हो गए, 0 डिग्री पे नहीं है, ना ही 180 डिग्री पे है, तो 0 डिग्री या 180 डिग्री पे नहीं होंगे, तो अब आप इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हमारे पास 3 रूल है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो
तो हमें रिजल्ट निकालना है, रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है, ठीक है। कब? जब वेक्टर्स किसी एंगल पे लग रही है, 0 डिग्री या 180 डिग्री पे नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी है। पहले हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात करेंगे। तो पहले मैं इसका रिजल्टेंट आपको निकाल के रख देता हूं ताकि आप इसकी डेफिनेशन भी बना सके। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? आपने इधर फोर्स लगाया, आपके दोस्त ने इधर फोर्स लगाया, तो जिस पे भी फोर्स लगाया वो पत्थर ही था मान लीजिए हमारा, वो पत्थर जाएगा कहां? कंफ्यूज जाएगा पत्थर, यार मेरे पे एक जना इधर फोर्स लगा रहा है, एक जना इधर फोर्स लगा रहा है, मैं कहां जाऊं? तो इसका रिजल्ट देखिए क्या आएगा। तो इसका रिजल्ट इस तरह से आएगा, आप ये 6 न्यूटन बनाइए ऐसे, और ये 5 न्यूटन ऐसे बना दीजिए यहां पे। इस 5 न्यूटन को मैं यहां पे बना रहा हूं ऐसे, इस डायरेक्शन में है 5 न्यूटन, तो इसी डायरेक्शन में आपको 5 न्यूटन बना देना। तो जो रिजल्ट आएगा ना, रिजल्टेंट वेक्टर होगा आपका, वो ये होगा, ये होगा रिजल्ट आर वेक्टर, ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। यानी कि अगर एक पत्थर है, उस पत्थर पर आप 6 न्यूटन ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, और उसी पत्थर पर आपका दोस्त ऐसे फोर्स लगा रहा है, तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आएगा कि उस पत्थर पर ऐसे फोर्स लगेगा इधर को। अब आप कहेंगे वो फोर्स लगेगा कितना? तो आपने जो ये 6 न्यूटन बनाया, मान लीजिए आपने इसको स्केल से बनाया ऐसे, 6 सेंटीमीटर खींच दिया, और ये 5 न्यूटन जो फोर्स लगाया इसको आपने 5 सेंटीमीटर स्केल से खींच दिया। अब आपका जो ये रिजल्टेंट है वो कितना होगा? स्केल से इसको नाप लीजिए, तो स्केल से नाप के जो भी ये वैल्यू आ जाएगी वो आपके रिजल्टेंट वेक्टर का क्या होगा? मैग्नीट्यूड। और रिजल्टेंट वेक्टर किधर लगेगा, उसकी डायरेक्शन कहां है? डायरेक्शन तो दिख ही रही है आपको, इधर को होगी। या आप डी लाइए, उस डी से इस वाले एंगल को नाप लीजिए, यहां पर डी रखेंगे, और डी से प्रोटेक्टर से आप इस एंगल को नाप लेंगे, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपका रिजल्टेंट वेक्टर इस 6 न्यूटन वाले से कितने एंगल पे लग रहा है। तो इस तरह से आपने रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में पूरी जानकारी ले ली। मैग्नीट्यूड नापने के लिए स्केल से यहां से यहां तक नाप लिया कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मान लीजिए 7.7 सेंटीमीटर, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 7.7 न्यूटन, ठीक है, क्योंकि न्यूटन में बात हो रही है, फोर्सेस की बात हो रही है। और हमारे रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी? डी लेके आए और पता लगा कि एंगल कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो हम कहेंगे कि हमारा रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो जो 6 न्यूटन फोर्स लग रहा था उसके 30 डिग्री पे लगेगा। तो यानी कि जो पत्थर है, ये रहा पत्थर, इस पत्थर पे दो फोर्सेस लगाए आपने और आपके दोस्त ने, तो रिजल्टेंट क्या आएगा कि रिजल्टेंट इस पे एक ऐसा फोर्स लगेगा जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 7.7 न्यूटन। ये वैल्यू मैं वैसे ही मान के बैठा हूं कि मैंने स्केल से इसको नापा तो 7.7 सेंटीमीटर आया। सॉरी, तो उसको मैं 7.7 न्यूटन कह रहा हूं। और इस पत्थर पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? तो ये एंगल कितना आया था हमारा? 30 डिग्री। तो हम कहेंगे कि एक लाइन अगर ऐसे बनाई जाए तो इस लाइन के 30 डिग्री पे 7.7 न्यूटन का फोर्स लगेगा जब आप और आपका दोस्त जो है इस पत्थर पे फोर्स लगाएंगे। यही ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है कि जब आपके पास दो वेक्टर्स हो और वो 0 डिग्री या 180 डिग्री पे नहीं लग रहे हैं, किसी एंगल पे लग रहे हैं, तो उसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे। तो रिजल्टेंट तो आइए अब ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? कि अगर दो वेक्टर्स को ट्राइंगल की दो साइड्स के हिसाब से लिखा जा रहा है, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, तो हमें इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना था। तो मैंने क्या किया, इन दो वेक्टर्स को ट्राइंगल की दो साइड्स की फॉर्म में लिख दिया, एक साइड ये बन गई और एक साइड ये बन गई।
और एक बात ध्यान रखिए, ऑर्डर सेम है, मतलब ऐसे चल रही है ऑर्डर, मतलब अगर हम एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज होता है ना, तो ऑर्डर देखिए 6 न्यूटन 5 न्यूटन ऐसे चल रहे ना, इसकी एरो का निशान देखिए, ये एक ही ऑर्डर में है। तो इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, ऑर्डर क्या है सेम, देन देयर रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, देन देयर रिजल्टेंट विल बी द थर्ड साइड। तो रिजल्टेंट ये है ना, और ये क्या है, ये हमारी इस ट्राइंगल की थर्ड साइड ही तो है, तो देन देयर रिजल्टेंट विल बी द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। लेकिन ध्यान दीजिए कि अगर हम ऐसे चल रहे थे 6 न्यूटन 5 न्यूटन, रिजल्टेंट उल्टी तरफ से आ रहा है, इधर से आ रहा है, तो जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा, वो ट्राइंगल की तीसरी साइड होगा, लेकिन उसका ऑर्डर क्या होगा, ऑपोजिट। अगर ये लोग ऐसे चल रहे थे तो रिजल्टेंट वैसे उधर से आ रहा है, इसीलिए जो रिजल्टेंट होगा वो थर्ड साइड होगा ट्राइंगल का टेकन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये आपका ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। आइए थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए इसमें। तो मान लीजिए एक पी नाम का वेक्टर इधर और क्यू नाम का वेक्टर इधर, हमें इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। कैसे निकालेंगे, जो अभी आपको बताया कि पी और क्यू को ट्राइंगल की दो साइड बनाइए, तो पी इधर है तो पी ऐसे ही बनाना है आपको, तो ये पी बन गया और Q ऐसे जा रहा है, तो Q को आप ऐसे लेके जाएंगे, ये आपका Q वेक्टर हो गया। इनका ऑर्डर देखिए, P ऐसे चल रहा है, Q ऐसे चल रहा है, क्लॉकवाइज, क्लॉक ऐसे घूमती है ना, तो ऑर्डर क्या है सेम ऑर्डर है। तो जिन दो वेक्टर्स का आपको रिजल्टेंट निकालना है उसे आप ट्राइंगल की दो साइड्स के रूप में लिख दीजिए और उनका ऑर्डर सेम रखिए। अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा ये वाला, ये रिजल्टेंट होगा। और ये रिजल्टेंट देखिए, हम क्लॉकवाइज चल रहे थे तो रिजल्टेंट उधर से आएगा, उल्टी साइड से, तो रिजल्टेंट क्या होगा, इस ट्राइंगल की थर्ड साइड जिसे ऑपोजिट ऑर्डर में बनाया गया है। और इस आर वेक्टर को, रिजल्टेंट को ऐसे लिखेंगे पी प्लस क्यू, एक्चुअल में P प्लस Q डायरेक्टली प्लस नहीं होता है, जैसे मैंने कहा मान लीजिए 10 न्यूटन है, ये 5 न्यूटन है, तो रिजल्टेंट 10 प्लस 5 15 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने कहा था कि अगर ये मान लीजिए 10 न्यूटन है तो इसे आप स्केल से 10 सेंटीमीटर खींचेंगे, और ये 5 न्यूटन है तो इसे आप स्केल से 5 सेंटीमीटर खींचेंगे, तो रिजल्टेंट खुद सोचिए क्या ये 15 होगा, नहीं होगा ना, 15 तो तब होगा जब हम स्केल से ऐसे 10 और 5 ऐसे नापे, तो रिजल्टेंट तो ये वाला है, तो ये 15 तो नहीं होगा, 15 थोड़ा कम होगा, तो रिजल्टेंट जो होगा वो डायरेक्टली ऐड करके नहीं आता है जब आपके दो वेक्टर्स किसी एंगल पे लग रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से आप रिजल्टेंट निकाल सकते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। और इसमें आपको एक बात ध्यान देनी होगी कि जो आप रिजल्टेंट इसमें निकाल रहे हैं उसके लिए आपको स्केल और डी चाहिए, कि आप स्केल से ये बनाएंगे पहले 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, फिर आपका जो ये स्केल से नापेंगे तो पता लग जाएगा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, और डी से आप नाप लेंगे कि इसका ये एंगल कितना है, कितने एंगल पे रिजल्टेंट वाला जो वेक्टर है वो लग रहा है। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या हुआ कि दो वेक्टर्स जो काम मिलकर कर रहे हैं उसकी जगह पे एक अकेला वेक्टर जो काम कर रहा है वही तो उन दोनों का क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है। तो आज हमने पढ़ा रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में और कैसे उसे निकाला जा सकता है अगर वेक्टर्स स्ट्रेट लाइन में रहें ऐसे या किसी और एंगल पे रहेंगे तो हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का इस्तेमाल करके भी उनका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। लेकिन ट्राइंगल लॉ की एक कमी है कि इसके लिए आपको स्केल और डी चाहिए।
और ये सिर्फ दो वेक्टर्स के लिए काम आएगा, आपके पास दो वेक्टर्स है तो उनका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तीन के लिए क्या ट्रिक लगानी है वो आगे हम बात करेंगे, और इसके बाद हम बात करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। आज के इस पार्ट में इतना है।